निश्चित है कि गढ़ है ये, और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल यहाँ है। माननीय बहन जी के निर्देश पर हमारे यहाँ जो मोहम्मद कलाम शाह जी हैं, इनको प्रभारी घोषित किया गया है, और जिस दिन से इनको प्रभारी घोषित किया गया है उसी दिन से अम्बेडकर नगर में एक अलग लड़ाई दिखाई पड़ रही है। निश्चित है कि ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी गढ़ है। यहाँ पर आज भी सांसद BSP का ही है, भले ही वो हमारे कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिए, हमारे मिशन पर काम नहीं किए, मान्य वजन को टिकट नहीं दिया। यहाँ निश्चित है कि इस जनपद में अम्बेडकर नगर जो लोकसभा है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी जीत करके जाता है। इसी कड़ी में इस बार भी जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, लोगों में उत्साह जो दिखाई पड़ रहा है, मोहम्मद कलाम जी जीत करके जाएंगे। सर ये एक कल जो है प्रधानमंत्री लाकेश आडवाणी जी को सम्मानित किया गया भारत रत्न से, उस दौरान देश की राष्ट्रपति खड़ी रही और प्रधानमंत्री बैठे रहे और लाकेश प्रधानमंत्री जी थे वो बैठे हुए थे। क्या लगता है दलित का एक तरीके से अपमान तो नहीं है राष्ट्रपति इस देश के लिए, क्या कहना है इसमें? नहीं, अब उसमें तो आप खुद ही समझ जाओ कि राष्ट्रपति खड़ा हो प्रधानमंत्री बैठा हो, जबकि भारत देश की सर्वोच्च कुर्सी राष्ट्रपति की है। अब इस पे क्या है आप समझो, रही बात की ये जो भारत रत्न की उपाधि दे रहे हैं इसपे हमें कोई इतराज नहीं है, धन्यवाद। लेकिन जिन्होंने यहाँ दबे कुचले समाज की राजनीति को एक नई दिशा दी, एक नया दल खड़ा किया, हमारी मांग है कि मानोहर कांशीराम साहब को भी भारत रत्न की उपाधि बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। धन्यवाद। मुरादाबाद की भाजपा महिला जिलाध्यक्ष है, जिनका सोशल मीडिया पे न्याय पाने को लेकर उनका आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको मारा पीटा, मुरादाबाद के संगठन ने, और वो थाने पे न्याय पाने के लिए गिड़गिड़ा रही, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कहना है इसमें? मुरादाबाद में ही नहीं, पूरे देश में नारी के सम्मान के नाम पर ये कहते हैं नारी सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा, नारी का शोषण हो रहा। अभी जो लोकसभा सीट है माननीय प्रधानमंत्री जी की, वहां पर भी अभी एक बेटी की जो है लाश बोरे में मिली है। इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही है, अभी मणिपुर में कितनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन इस देश के जो हमारे शासक हैं इनको इसका कोई फिक्र नहीं है, खाली कहने के लिए कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है। अगर देश परिवार है तो इसी घटनाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। मेरठ की जनसभा में मोदी ने कहा कि ईडी के द्वारा जो पैसे विपक्ष के भ्रष्टाचारियों के जब्त किए गए वो गरीबों में बांटे जाएंगे, इस पर क्या कहना है सर? नहीं, ये तो बहुत पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, 14 में जब ये प्रचार करने आए तभी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार में इस देश का धन विदेशों में जमा है, हमें लाओ हमें जिताओ, हम विदेश का धन लाएंगे और हर गरीब के खाते में 15-20 लाख भेजेंगे। क्या अभी तक दूसरा सत्र इनका चल रहा है, कभी तक किसी के खाते में आया? इस देश का जो पैसा विदेशों में था वो पैसा तो नहीं आया, जबकि इस देश का तमाम गुजराती लोग इस देश का पैसा लेकर के बाहर भाग गए, आज तक चौकीदार साहब पता नहीं लगा पाए उसकी। और जब पूछा जाता है, माननीय पत्रकार लोग पूछते हैं, तो इनके बड़े बड़े नेता गृह मंत्री जी कह रहे थे ये तो जुमला है, तो जुमलेबाजी की सरकार है, जुमले में जो बोल जाए वही है। बाकी इस देश की जनता को काफी निराशा हाथ लगी है कि डबल इंजन की सरकार से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश में कोई जाति नहीं है, जाति है महिलाओं की, जाति है किसानों की, जाति है नौजवानों की, जाति है गरीबों की। मैं तो देख रहा हूं कि जो इनकी जाति जिसको कहते हैं किसान, जो इस देश का अन्नदाता है, ये किसान अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जा रहा था, इसी देश का रहने वाला किसान है, देश का अन्नदाता है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनके रास्ते में बड़ी बड़ी कीले ठोकी जाती है। ये कैसी सरकार भाई कि किसानों की बात नहीं सुनना चाहती है, महिलाओं के ऊपर कितना उत्पीड़न हो रहा देख ही रहे, नौजवानों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा, नौजवानों के लिए जगह तो निकाली जाती है, आशा तो दी जाती है, लेकिन पता लगी AR की पर्चा लीक हो गई, पुलिस की पर्चा लीक हो गई, नौजवान ठगा महसूस कर रहा अपने आप को। तो इस तरीके की सरकार से इस देश के किसी भी समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। आज इस पूरे देश के लोगों ने एक मन बनाया है कि डबल इंजन सरकार से पूरी तरह परेशान है, सबको एक आशा उम्मीद है, क्योंकि माननीय बहन जी की सरकार पूर्व बहुमत से इस देश के बड़े प्रदेश में बहन जी चला चुकी है और जनता देख चुकी है। आज जनता के मन में है कि इस देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन जी बने तभी इस देश का उद्धार हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में जनसभा, पहली जनसभा में कहा कि मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में भरोसा कर रही है, सर इस पे क्या? मोदी की गारंटी इसकी है कि नौजवानों की जगह तो निकलेगी, पर्चा लीक जरूर होगा।
मोदी की गारंटी इसकी है कि नौजवानों के लिए कोई जगह नहीं है। मोदी की गारंटी ऐसी है कि विदेश का काला धन लाने के लिए कहेंगे लेकिन लाएंगे नहीं, इस देश का धन चला जाएगा, इसकी गारंटी है। मोदी की गारंटी है कि यहाँ के पेट्रोल का दाम 4 गुना जाएगा, डीजल का दाम 4 गुना जाएगा, गैस सिलेंडर का दाम 4 गुना जाएगा, महंगाई चरम सीमा पर, इसकी गारंटी है ना। किसी भी वस्तु की जब इन्होंने कहा था, 14 में आए थे, इन्होंने कहा कांग्रेस सरकार में महंगाई बहुत है, हमें लाओ हम महंगाई कम करेंगे। क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसकी महंगाई कम हुई हो? कई गुना बढ़ी है, कई गुना बढ़ी है। नौजवानों की खाद की बोरी जो 50 किलो होती थी 40 किलो किया, 45 किलो किया, आज 40 किलो कर दिया और दाम बढ़ गया। किस चीज की गारंटी मोदी जी की है भाई कि हम प्रचालित कराएंगे, नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई चरम पर पहुंचेगी? आज आम जनमानस परेशान है इस डबल इंजन सरकार से, और निश्चित है कि इसका जवाब इसी 24 जनता देने जा रही है। मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है लोकसभा? बहुजन समाज पार्टी का सीधा फंडा है कि बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया है, और जब बाबा साहब ने खुद कहा था कि जिस दिन इस हमारे बनाए हुए संविधान को इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से लागू संविधान को कर देंगे, उसी दिन इस देश की उन्नति हो जाएगी। निश्चित है बहुजन समाज पार्टी जिस दिन इस देश की हुकूमत में बैठेगी, उस दिन बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी ईमानदारी से लागू हो जाएगा, उसी दिन इस देश का संपूर्ण विकास हो जाएगा, सब समाज का विकास हो जाएगा। यही मुद्दा है सर। आपसे सवाल, अम्बेडकर नगर में पहली जनता क्या कहते कार्यक्रम हुआ, प्रत्याशी की घोषणा, उस दौरान बसपा के ऊपर मुकदमा अकबरपुर कोतवाली में दर्ज हुआ, क्या कहना है इसके साथ? जब प्रशासन को यह पता था कि बसपा का कार्यक्रम है तो उसी हिसाब से उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, और व्यवस्था तो उन्होंने किया नहीं, उल्टे बसपा को कमजोर समझा और मुकदमा दायर कर दिया। ये पूरी की पूरी बदमाशी प्रशासन की है। प्रशासन को देखना चाहिए था कि जब जान रहे हैं कि वहाँ भीड़ होगी, उस तरह को उनको इंतजाम करना चाहिए था। ये प्रशासन की नाकामयाबी है। क्या लगता है बसपा को, क्या कहते हैं सरकार में बैठे लोगों के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है? बहुजन समाज पार्टी हमेशा नियम को मानने वाली पार्टी है, और आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इलेक्शन कमीशन के इस कार्यक्रम का स्वागत किया है, और हम लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करने वाले लोग हैं। अम्बेडकर नगर के भाजपा के कार्यक्रम में आए दिन सरकारी कर्मचारी बीजेपी के पट्टा पहनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है अभी क्या कहते हैं कल के कार्यक्रम में एक बीजेपी के कार्यक्रम में सफाई कर्मचारी जो है पट्टा लगा रहा है, अभी तक कार्रवाई नहीं की, क्या मांग है आपकी? अभी प्रशासन की जिम्मेदारी है, हर जो राज कर्मचारी है उसके ऊपर सर्विस कंडक्ट रूल लागू होता है, वो किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो सकता। अगर वो राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित हो रहा है तो जिला प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको सस्पेंड और बर्खास्त करना चाहिए। कलम जी, क्या अपील करेंगे अम्बेडकर नगर वासियों से आज कार्यकर्ता सम्मेलन, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे अम्बेडकर नगर के वासियों से, क्या अपील करेंगे अपने लोगों? अम्बेडकर नगर के वासियों सारे लोग मेरे साथ हैं, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।